वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। अभी हम हैं नागपुर पे, हम करने जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, वो भी ऐसे वैसे दुकान से नहीं, बहुत ही फेमस नागपुर का, मतलब एकदम दीवाने हैं जो पोहा के लिए, वो है भिकी भैया का जो पोहा है, बहुत ज़्यादा फेमस है नागपुर पे, अपने टेस्ट के लिए जाना जाता है। टेस्ट कैसा होगा, एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा ऊपर ही रहेगा। चैनल में नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओहो गाइस, हाथ का स्पीड देखिए भाई, लग रहा है कोई रोबोट काम कर रहा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, सब लोग लाइन लगा के खड़े हैं। और ये भाई का रसा है, ये क्या है भैया? ये चना सा है। चना का रसा? हाँ। अच्छा, चना का रसा, ये देखिए तरी। अच्छा, और ये है पोहा, ये कैसे बनाया जाता है थोड़ा बताइए ना। ये पोहा गला जाता है। हाँ। तो ये चूड़ा। हाँ। तो ये ग्रेवी आता है। ये देखो भाई, रसा, टमाटर और तरी, इसके ऊपर तरी। अच्छा, प्लेट कितने का आता है? एक प्लेट, प्लेट 25 का है और हाफ 15 भी देते हो। समोसा, समोसा पोहा मिक्स करके, समोसा पोहा का कितना है वो? 25 हाफ 15 रुपए और फुल 25 रुपए। फुल 25। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, भैया का जो लोकेशन है थोड़ा चेंज हुआ है। पहले वो रोड पे था। अच्छा। ये रोड पे लेना पड़ा, काम चालू है इसके लिए, और सुबह 6:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक रोज रोज डेली, सिर्फ संडे को जल्दी बंद कर देते, संडे को 2:30 बजे। अच्छा, ये हो गया कंजन 25 साल के ऊपर, इसमें पूरे मसाले रहते हैं। अच्छा, इसमें पूरे खड़े मसाले, गर्म मसाले और यही है जान है इस पोहा का, जान यही है। तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी है, मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी। हाँ। अच्छा जी, ये देखो ऊपर में चने का तरी, टमाटर क्यों देते हो? तेज रहता है इसको कम करने के लिए और थोड़ा टेस्ट बढ़ाने। अच्छा जी, बॉइल्ड टमाटर रहता है। ये है चूड़ा, ये चूड़ा। हाँ। ये फ्राई किया गया तेल में तला जाता है। अच्छा, इसमें पोहे का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है, एकदम सुपर फास्ट, बहुत ज़्यादा रोबोटिक स्पीड में भैया काम करते हैं। और मौसम अच्छा नहीं है, फिर भी आज इतना लोग है यहाँ पे, ये देखिए बहुत लोग है यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा ही फेमस है। ये देखिए, ये जा रहा है। इसका प्लेट कितना रहता है भैया? 25। इसमें पोहा नहीं रहता? ये चना जा रहा है, ये उबले हुए चना। भैया जो पूछ रहे हैं, यहाँ पे तो मतलब बहुत ज्यादा पोहे का दुकान है, बहुत सारा, ऐसा क्या है खासियत इतना ज्यादा यहाँ पे भीड़? एक्चुअली ये पुरानी भी है और हमने टेस्ट बराबर रखे अपने। अच्छा। हाँ, बाकी कैसा आते आते रहते हैं, नए रहते हैं, वो चलता रहता है। तो फिर आप ही पुराने हो यहाँ पहले, आपका और भी आइटम था ना भैया? हाँ। और भी आइटम आज थोड़ा मिस्त्री लोग नहीं है इसके लिए। अच्छा। बने नहीं है। अच्छा। तो समोसा, कचौरी, बड़ा और पाटवड़ी भी रहता है भाई। आपको बोल रहे हैं ये दिखने में जितना मतलब खतरनाक लग रहा है लाल कलर, वो खाने में भी उतना ही ज़्यादा स्पाइसी है। और मैंने लाइफ में इतना फास्ट वेंडर मैंने नहीं देखा, इतना फास्ट फास्ट तरीके से काम करता है। और आगे चल के मैं इनका पोहा ज़रूर टेस्ट करूँगी, मेरे लिए कुछ अनोखा ही होगा, क्योंकि हम लोग कोलकाता में ज़्यादातर मीठा पोहा ही हम लोग ज़्यादा खाते हैं। यहाँ के यहाँ पर तो आपको मीठा पोहा नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो मिलेगा एकदम चकाचक स्पाइसी वाला तरी पोहा, जो मैं आज फर्स्ट ट्राई करूँगी। लेट्स ट्राई आउट द स्पाइसी पोहा। दाम बहुत ही कम है, 15 और 25। और भैया का स्पीड देख रहे हो भाई, मतलब कोई भी मतलब बंदा आके यहाँ पे वेट नहीं करेगा, आप बोलोगे सेकंड के अंदर आपका पोहा हाजिर है। पोहा के अलावा ये समोसा चाट, रगड़ा, पापड़ी चाट, ये सब क्या है, समोहा समोसा चाट भी आप ले सकते हो, वो भी 25 रुपए का है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी एक चीज़ लीजिए और यहाँ पे आके एंजॉय कीजिए। तो चलो अपने लिए लगवाते हैं पोहा और आगे देखते हैं पोहा का टेस्ट कैसा है। आप लोगों को ये बता दें, हम पूछ रहे थे बीच में कि भैया एक दिन में आपका कितना पोहा निकल जाता है, तो यहाँ पे जो बड़ा वाला कढ़ाई है, ये कढ़ाई में 10 किलो पोहा रहता है, ऐसा 4, 5 या 6 पोहा, 6 कढ़ाई वाला पोहा एवरीडे निकल जाता है। तो आप समझ ही सकते हो नागपुर के लोग भिकी भैया का पोहे का कितना बड़ा दीवाना है।
और मतलब होगा ही, मतलब 35 साल का एक दुकान है और टेस्ट में इतना बढ़िया है, और नागपुर वाला बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, और मेरे लिए यहाँ पे पोहा रेडी है, ये देख सकते हो, चलो टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये है सब फेमस भीकी पोहा का हाफ प्लेट पोहा, मैंने हाफ प्लेट लिया है, अगर आप चाहो तो फुल प्लेट भी ले सकते हो। ऊपर से देखिए प्रिकॉशन के लिए प्याज है, ये तरी है, ये चने का रसा है, और ये टमाटर है, एकदम गर्मा गर्म है। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया है एक्चुअली, जो टेस्ट है तरी का आ रहा है, पोहा का टेस्ट तो कुछ नहीं है एक्चुअली, मेरे को ना पोहा उतना कुछ खास नहीं लगता, मगर ये खाने के बाद ना मेरा मूड थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है और 15 रुपये इसका दाम है, बहुत स्पाइसी है। अगर इससे भी आप ज़्यादा टेस्ट करना चाहते हो तो भैया और भी तेज़ कर देंगे, मतलब तरी रसा डाल के और भी तेज़ हो जाएगा। अगर एक बार से आपका मन नहीं भरा फिर से ये रिफिल हो जाएगा, ये तरी पोहा नहीं, पोहा के लिए आपको नेक्स्ट एक प्लेट लेना पड़ेगा। भैया ये तो खा के बहुत मज़ा आ रहा है, ऊपर से फ्राइड पोहा भी डाला गया है, उसका भी क्रिस्पनेस है, और तरी का बहुत अच्छा एक टेस्ट है, भैया का खुद का कुछ मसाला डाल के बनाया गया है। नागपुर का लोग तो पूरा दीवाना है ये विकी भाई का तरी पोहा के लिए। तो चलो मैं इसको झटपट खत्म कर, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आगे मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।